खबर कुशीनगर से, अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को लहूलुहान कर दिया। कार पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। बाजार से लौटते वक्त व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। परिजनों ने बगल के गांव में लोगों पर शक जताया है। कसिया थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के पास की पूरी घटना। अज्ञात बदमाश थे, एक व्यक्ति को यहां पर लहूलुहान कर गए। कार पर सवार होकर ये बदमाश आए थे और व्यक्ति पर यहां पर हमला किया। हमले में जो व्यक्ति था वो बेहद गंभीर रूप से यहां पर घायल हुआ है। परिजनों ने बगल के गांव के लोगों पर आशंका जताई है इस हमले की। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी। तो कुशीनगर की ये वारदात थी। अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को यहां पर हमले में घायल कर दिया। अब बाबा केदार के भक्त हेलीकॉप्टर से धाम पहुंच सकेंगे। हेली कंपनी ट्रांस भारत एविएशन अपनी सेवाएं देगी। हिमालयन एविएशन कंपनी भी अपनी सेवाएं देने वाली है। 8 जुलाई से धाम के लिए ये कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। अभी तक 3 हेली कंपनियां वापस लौट चुकी हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए ये कंपनियां वापस लौटी और ऐसे में अब ये 2 नई कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। आर्यन एविएशन 26 जून को अपनी सेवाओं को बंद कर देगी, लेकिन 8 जुलाई से धाम के लिए ये 2 कंपनियां अपनी सेवाओं को शुरू कर देगी। तो अब बाबा केदार के भक्त हेलीकॉप्टर से हेली सेवा का लुत्फ उठा सकेंगे। केदारनाथ में अब गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। भक्तों को गर्भगृह में जाकर दर्शन की अनुमति मिल गई है। यात्रा में आई कमी के बाद बद्री केदार मंदिर समिति का यह फैसला है। मोबाइल फोन बंद करके गर्भगृह में अब श्रद्धालु जा सकेंगे। आपको बताएं कि बाबा केदारनाथ के कपाट बीते 25 अप्रैल को आम श्रद्धालु के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। तब से लगातार श्रद्धालु दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे। खराब मौसम के बावजूद यहां पर करीब 25,000 श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि इन दिनों यात्रियों की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है और फिलहाल करीब 8,000 श्रद्धालु हर दिन केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति बिना फोन के इस्तेमाल के दे दी। लखनऊ एयरपोर्ट से खबर है, वहां पर तस्करी का सोना जब्त किया गया। तस्करी कर दुबई से यहां पर सोने की खेप को लाया जा रहा था। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर यहां पर तस्करी करवा रहे थे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अब लगातार अलर्ट हो गया है। कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की तस्करी और भी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार केसेस देखने को मिल रहे हैं। बीते 22 दिनों में यहां पर करीब 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार अलर्ट पर यहाँ पर टीम्स हैं। ऐसे में एयरपोर्ट से तस्करी का ये सोना जब्त हुआ है। बेरोजगार युवकों का इस्तेमाल करके यहां पर इस तस्करी को अंजाम दिलवाया जाता है। गोंडा से खबर है, कार और बाइक की यहां पर जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। हादसे के बाद बाइक में भी आग लग गई। कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद कार चालक वहां पर मौके से फरार हो चला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार और बाइक की यहां पर जोरदार टक्कर हो गई और आप देखिए किस तरीके से कार यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई। जोरदार टक्कर थी, कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, बाइक में आग लग गई और जो कार चालक था वो मौके से फरार हो चला है। लगातार उसको खोजने की यहां पर तलाश की जा रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और एक घायल हुआ। तो कार और बाइक की जोरदार टक्कर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण टक्कर हुई थी, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और आप देखिए हादसे के बाद यहां पर बाइक में आग भी लग गई। अफरा तफरी का माहौल आसपास में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।